ने जो पैसा इस बार भी रखा है वो बहुत कम है, और जो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने सदन में पढ़ा है वो अब वोट के लिए किसानों के लिए, वो बोले कि 5 एकड़ से जो कम जमीन है यानी 2.5 हेक्टर जिसको है उसको 6,000 रुपये सालाना देंगे। 6,000 मीन्स हर महीना 500 रुपये, हर महीना 500 रुपये। अब सिर्फ 2,000 रुपये देंगे इस साल, तो ये इलेक्शन में वो पैसे बांट रहे हैं कि किसानों को खुश करने के लिए, और वो हमने 6,000 रुपये बनाए, लेकिन वास्तव में ये 3 महीने में तो 2,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, 4,000 तो बाद में देंगे। तो ये जो है ये सब चुनाव के लिए वो किए हैं। मैं डायरेक्टली उनको ये कहता कि एक रिश्वत उन्होंने वोटर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो उन्होंने ये कहा कि अब 5 लाख रुपए के एग्जम्पशन, भाई ठीक है, इनकम टैक्स का हर बार 1 लाख को कभी था, कभी तो 2 लाख को किए, कभी 2.5 लाख को किए, इस बार 5 लाख। उसके लिए सदन में जैसा कि पार्टी में जिंदाबाद करते हैं वैसा पार्लियामेंट में उठ उठ के लोग उनके पार्टी के मोदी मोदी मोदी, ये क्या है, ये तो तमाशा हो गया। ये तो वोट ऑन अकाउंट्स, यानी आपको काम चलाने के लिए जब तक आपको सिर्फ मई तक मैंडेट है उस तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये अपना बजट करना चाहिए था, उसके बजाय उन्होंने सारे आगे आने वाले पूरे 1 साल का बजट उन्होंने रखा और लोगों को गुमराह करने के लिए और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये पूरा बजट उन्होंने देश के सामने रखा। तो ये वायदे कौन पूरे करेंगे? अगर ये लोग नहीं आएंगे तो ये वायदे कौन पूरे करेंगे? तो आने वाले गवर्नमेंट पे यही पड़ेगा। तो इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये चुनावी वायदे हैं, ये जुमले हैं, जैसा पहले भी वो जुमले बोलते थे वही ढंग से आज भी जुमले वो बोल रहे हैं। तो हर चीज में उनका वो मिडिल क्लास खुश करने के लिए जिसके 2 मकान हैं उनको 1 मकान का रेंट फ्री, और बिल्डर्स को सबसे बड़ी राहत उन्होंने दी। पहले तो एक खाली अगर है कोई बिजनेस प्रीमाइसेस और मकान खाली है तो पहले 1 महीने का छूट था, इन्होंने उनको 2 महीने का दिया। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्डर्स को भी वो साथ लेकर उनके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को, बिल्डर्स को ये उन्होंने कंसेशन देने का काम किया। तो हर चीज में उनका पॉलिटिक्स है और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अब मनरेगा की बात मैं बोलता हूं, उन्होंने कहा कि इस बार भी 60,000 करोड़ रखे। अरे इन्फ्लेशन ही आपका 5-6% है, अगर आप बजट में 0.5% भी अगर उसमें ज्यादा नहीं है, लास्ट टाइम 59,000 करोड़ था, इस बार वो 60,000 करोड़ है। अभी बहुत से स्टेट में बाकी है, अभी उनको देना है, उसके लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये सब इनके गवर्नमेंट में कोई प्रगति तो नहीं हुई, उसीलिए वो प्रगति नहीं बता सके। और जो आगे करने वाले हैं वो जुमले इस पार्लियामेंट में उन्होंने बताया है, इससे लोगों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो समझ रहे हैं वोट हमको मिलेंगे, लोगों को मालूम है ये पहले कैसा भरोसा इन्होंने दिया और लोगों को धोखा दिया, युवकों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, ये सब कुछ उन्होंने किया। और आखिरी बात मैं बोलता हूँ, इवन दलितों के लिए SC ST के लिए उनका बजट बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे स्टेट में मैं कर्नाटक और आंध्रा का उदाहरण देता हूँ, वहाँ पर
बजट सोशल वेलफेयर का बजट, सोशल जस्टिस का बजट सब प्लान होता है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से जितने उनको मिलना चाहिए उतना अब कर्नाटक में उदाहरण के तौर पर 1/5 बजट उनके लिए रिजर्व रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7,000 करोड़ का उन्होंने कह के, अब उसमें भी उन्होंने बोला कि हम इसमें ज्यादा अमाउंट रखा है। वो तो शेड्यूल कास्ट के लिए भी कुछ नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ नहीं है, और जितने भी किसान हैं उनको भी एक गुमराह करने के लिए इन्होंने एक सामने रखा है, और हर चीज में उन्होंने ये बताया है कि आगे हम क्या करने वाले हैं। पीछे 5 साल में उनका अचीवमेंट भी उन्होंने नहीं बताया, तो इसीलिए ये बजट जो है एक चुनावी घोषणा पत्र है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। थैंक यू।